हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड एनसीईआरटी ज्योग्राफी ऑफ क्लास एट चैप्टर फोर डेट इज एग्रीकल्चर सो बिफोर स्टार्टिंग टू द चैप्टर वी शुड नो व्हाट इज एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग फूड एंड कैश क्रॉप्स जो फूड और कैश क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सर्वाइव करने के लिए किसी भी लिविंग बिंग्स के लिए दिस इज प्रैक्टिस थ्रू सीरीज ऑफ़ फेजेस ये सीरीज ऑफ फेजेस से प्रैक्टिस होता है जैसे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं तो पहले क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है जो हम प्लोइंग करते हैं मतलब खेत को जो जोतते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्लोइंग करते हैं है. उसके बाद हम क्या करते हैं सोइंग करते हैं सीड का उसके बाद हम क्या करते हैं रिमूवल ऑफ वीड्स करते हैं वीड्स क्या होता है तो वीट्स होता है जो अनवान्टेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं उसे हम वीट्स कहते हैं तो उसका हम रिमूवल करते हैं फिर आपका मैन्यरिंग करते हैं खाद डालते हैं इरिगेशन करते हैं फिर आपका हार्वेस्ट करते हैं और जो फूड क्रॉप्स और कैस क्रॉप है उसे हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं तो ये एक सीरीज ऑफ फेजेज है जिससे एग्रीकल्चर होता है तो ये जो है पूरा एग्रीकल्चर का प्रोसेस है तो नाउ कमिंग टू द चैप्टर एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है प्लांट से लेके जो फिनिश प्रोडक्ट आपके घर में पहुंचती है जैसे कि आपके घर में शुगर आता है तो वो कैसे बनता है उसका प्लांटिंग होता है शुगर केन का फिर शुगर केन को उसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है उसके बाद उससे क्या बनता है आपका शुगर बनता है जो आपके घर में आता है और ये जो प्रोसेस है ये थ्री जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी से गुजरता है तो जो फर्स्ट है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंड को हम सेकेंडरी कहते हैं और थर्ड एक्टिविटी जो है उसको हम टर्सरी एक्टिविटीज कहते हैं तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है तो प्राइमरी एक्टिविटीज है विच इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हम प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का जैसे फूड क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन किए और जो हम एक्सट्रैक्शन किए जैसे कि जो कोल है वो हम जो माइन से निकालते है, जो हैं जो ओरस होते हैं डिफरेंट जैसे कि आयरन ओर हो गया जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल को माइन से निकालना ये सब जो एक्सट्रैक्शन है और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि आपका फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप को जो है प्रोडक्शन करना ये प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर आपका क्या हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज़ है फिशिंग आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ है गैदरिंग आपका प्राइमरी एक्टिविटीज है सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है जो चीज़ हमें प्राइमरी एक्टिविटीज से हमें मिलती है वो क्या होता है उसे हम प्रोसेस जिससे करते हैं वो है सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब कि जो इंडस्ट्रीज हैं जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपको चिप्स का जो पैकेट मिलता है तो चिप्स कैसे बनता है तो पहले प्राइमरी एक्टिविटीज से पोटैटो जो है ग्रो किया जाता है पोटैटो को क्या किया जाता है प्रोसेस किया जाता है वो कहा किया जाता है इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री में प्रोसेस करके उसे हम क्या बना देते हैं चिप्स तो ये जो पोटैटो ग्रोइंग है इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटीज और ये जो चिप्स बना ये क्या है जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज है जो इंडस्ट्री में हुआ अब उसी तरह से हम देखते हैं कि टर्सरी एक्टिविटीज क्या होता है तो आपका तो पोटैटो जो है पहले ग्रो हुआ ठीक उसके बाद वो चिप्स बन गया और उसके बाद जो ये चिप्स है ये आपके पास जो मार्केट में आया तो ये कैसे मार्केट में आया तो इसके लिए क्या यूज हुआ ट्रांसपोर्ट यूज हुआ आपका ट्रेड हुआ और मार्केट से क्या हुआ आपने इसे पेमेंट करके खरीदा तो ये सब एक्टिविटीज जो प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है वो एक्टिविटीज आपका क्या है उसको कहते हैं टर्सियरी एक्टिविटीज और सर्विसेज कहते हैं तो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है वर्ल्ड में जो है फिफ्टी परसेंट ऑफ द पर्सन आर इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फिफ्टी परसेंट वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है एंड टू थर्ड ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और अपने यहाँ तो टू बाई थर्ड है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है जितना पॉपुलेशन है उसका लगभग टू बाई थर्ड है जो एग्रीकल्चर पे टोटली totally डिपेंड रहते हैं द द लैंड 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 ऑन आर इज नोन किसे कहते हैं जो भी लैंड जिस पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है दैट इज नोन एज जिसपेबल लैंड तो ये देखिए इस फिगर में जो है जितने ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं दे आर एरेबल लैंड तो आप इंडिया के कंटेस्ट में देखिए तो इंडिया का जो एरेबल लैंड है मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया भी था कि इंडिया का एरेबल लैंड जो है सबसे ज्यादा है किसमें परसेंटेज के मामले में ठीक ना परसेंटेज के मामले में कि जितना हमारे पास लैंड है उसमें जो हमारा एरेबल लैंड है वो बहुत ही ज्यादा है तो एग्रीकल्चर क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल उसके बाद रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक जो साइंस एंड आर्ट है जो सॉइल पे हम कल्टीवेट करते हैं और क्रॉप को रेज करते हैं और लाइफ स्टॉक को जो हम रियर करते हैं मतलब जो जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको हम पालते हैं जैसे कि गाय हो गए आपके सिप्स हो गए आपके बुफेलोज हो गए जिससे हमें दूध मीट और बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो उसे हम रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक कहते हैं और ये सब जो है क्या है फार्मिंग का पार्ट है ऑल दिस आर नोन एज फार्मिंग सेरिकल्चर किसे कहते हैं तो सेरिकल्चर रियरिंग ऑफ सिल्क वांग। सिल्क वाराम्स का जो रियर करते हैं उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं अच्छा इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर ये फार्मर के इन, इनकम को क्या करता है सप्लीमेंट कर देता है मतलब कि फार्मर जो है पहले फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप तो उगाते ही है साथ साथ में वो कुछ अदर्स एग्रीकल्चर भी करते हैं तो जैसे सेरीकल्चर कर लिए वो पीसी कल्चर कर लिए पीसी कल्चर, कल्चर का मतलब क्या होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश जो फिश हम पालते हैं उसे हम क्या कहते हैं पीसी कल्चर कहते हैं वीटी कल्चर होता है कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स को वीटीकल्चर कहते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स फ्लावर एंड फ्रूट फॉर कमर्शियल यूज जब हम कमर्शियल यूज के लिए जब हम वेजिटेबल फ्लावर्स एंड फ्रूट को जब हम उगाते हैं तो उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं अब फार्म सिस्टम देखिये तो फार्म सिस्टम में क्या होता है कि आपको इनपुट क्या क्या देना है फार्म सिस्टम में तो इनपुट में आपका सीड्स हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा आपका मशीनरी हो जाए हो जाएगा आपका केमिकल्स जो है मतलब केमिकल्स होता है फर्टिलाइजर जो आप यूज करते हैं वो हो जाएगा तो ये सब जो है इनपुट आपने दिया प्रोसेस में क्या हुआ आपका तो प्रोसेस में आपका प्लोइंग किया अपने खेत को जोता उसमें जो है अपने सीड को सो किया और उसके बाद इरिगेशन किया ठीक और तो आउटपुट आपको क्या मिला ये आपको क्रॉप्स जो है एज ए आउटपुट आपको मिल गया और एग्रीकल्चर में जो नेचुरल इनपुट्स हैं वो क्या क्या है सनसाइन आपको चाहिए क्रॉप को ग्रो होने के लिए टेम्परेचर चाहिए सॉइल चाहिए कोई कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो स्लोप्स पे होते हैं जैसे कि आपका टी हो गया कॉफी हो गया जिसमें क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए वाटर उनको रिक्वायर्ड होता है पर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए तो स्लोप्स पे जो है टी कॉफी ग्रो होता है रेनफॉल चाहिए आपको तो ये क्या है नेचुरल इनपुट्स हैं ह्यूमन इनपुट्स क्या क्या है तो स्टोरेज हो गया लेबर हो गया मशीनरी हो गया केमिकल्स हो गया ये ह्यूमन इनपुट्स हैं सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोइंग मैंने प्लोइंग बताई दिया खेत को जोतना प्लोइंग कहते हैं सोइंग मतलब सीड को सो करना इरिगेशन मतलब उसको पानी देना वीडिंग मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स हैं क्रॉप के बीच में जो उग जाते हैं उसे हटाना और हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटना टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग फार्मिंग क्या होते हैं तो इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है और डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन डिमांड ऑफ प्रोड्यूस लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू मेन टाइप फार्मिंग को दो मेन टाइप में डिवाइड किया गया है किस किस आधार पे तो ये आपका जोग्राफिकल कंडीशन वहाँ का कैसा है डिमांड कितना है प्रोड्यूस का वहाँ पे और नेबर कैस कितने हैं और टेक्नोलॉजी किस तरह का है वहाँ पे तो एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है कॉमर्शियल फार्मिंग तो सबसिस्टेंस फार्मिंग को जो है वो टू टाइप में डिवाइड किया गया है एक होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा होता है आपका प्रीमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग तो इंटेंसिव जो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक स्मॉल प्लॉट पे जो है क्या होता है सिंपल टूल्स और मोर लेबर से जो फूड क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं तो उसे हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं इसमें क्या होता है कि क्लाइमेटिक विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनसाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली इसमें क्या होता है कि एक साल में बहुत ज्यादा क्रॉप जो है ग्रो करते हैं जैसे इंडिया में क्या होता है कि राइस ग्रो होता है वीट होता है आपका पल्सेज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एक ईयर में ग्रो किया जाता है और इसमें जो है राइस इज द मेन क्रॉप और राइस जो होता है ये मेन क्रॉप होता है तो इंडिया में हमारा जो मेन क्रॉप क्या है राइस ही है तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो क्या है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है और ये एग्रीकल्चर जो है कहाँ होता है जनरली थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में मोर लेबर है ज्यादा लेबर है तो वहां का पॉपुलेशन ज्यादा ही होगा तभी ज्यादा लेबर है और आपका जो लैंड है वो क्या होगा लिमिटेड लैंड होगा और लेबर्स ज्यादा रहते हैं और ये जो है मॉनसून रीजन में होता है ऑफ साउथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया तो प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है तो इट इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर्स में कि क्या होता है कि फॉरेस्ट के एक पार्ट को ये क्या करते हैं कि कट कर देते हैं और उसको वहाँ पे उसे जला देते हैं तो जो ऐस होता है वो आपका मिट्टी में मिल जाता है और वो जो लैंड है फर्टाइल रहता है तो उसमें क्या करते हैं ये क्रॉप्स जो हैं ग्रो करते हैं कुछ दिन तक ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं फिर लैंड की फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं कि दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं वहाँ का जो है चीज़ को फिर कट करते हैं और वहाँ पर फिर जो है फार्मिंग करते हैं और फिर ये क्या होता है कि जो पिछला लैंड वो छोड़े थे उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वेजिटेशन जो है फिर ग्रो हो जाते हैं इस तरह से वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते रहते हैं और इस तरह का कल्टीवेशन जो है आपको जनरनली कहा एमेजोन बेसिन में देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल अफ्रीका में एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहां पे है दीज आर दरियाज ऑफ है क्या होता है, heavy rainfall होता है और क्विक रिजनरेसन ऑफ वेजिटेशन जो है वो जल्दी बढ़ते हैं ऐसे ही वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करते हैं तो जो पहला प्लेस को जो छोड़ के आते हैं वहां पे नेचुरल वेजिटेशन जो है वो ग्रो हो जाता है तो शिफ्टिंग कंटीवेशन इज ऑल्सो नोन है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं क्यों कहते हैं स्लैश मतलब कट करना और बर्न मतलब जलाना मतलब वो फॉरेस्ट को कट करके उसको जला देते हैं और वो जो एस बच जाता है वो क्या होता है एज ए मैन्यूअल इनका काम करता है वो नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है तो नोमैडिक हर्डिंग जो होता है जो लाइफ स्टॉक को जो आ, रियर करते हैं दैट इज नोमैडिक हर्डिंग और ये क्या करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो है मूव करते रहते हैं क्यों मूव करेंगे जैसे कि मान लीजिए कि आपका लद्दाख रीजन में आ, जो है वहाँ पे शिप्स जो हैं वो रियर किए हुए हैं तो वहाँ पे जब बर्फ गिर जाएगी तो वहाँ पे वेजिटेशन रहेगा नहीं इनको खाने के लिए तो ये क्या करेंगे कि थोड़ा नीचे इलाके में आ जाएंगे तो नीचे इलाके में क्या होगा वहाँ पे वेजिटेशन होगा और जब क्या होगा कि ऊपर का जब बर्फ पिघल जाता है तो ये फिर क्या करेंगे फिर ये वापस शिफ्ट कर जाएंगे ऊपर तो ये क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं नोमेटिक है नोमैटिक मतलब ये होता है मूव करना और इस तरह के जो लाइफ स्टॉक रियरिंग करते हैं इसे हम नोमेटिक हर्डिंग कहते हैं एंड इट इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान जम्मू एंड कश्मीर में ये सब नोमेटिक हर्डिंग किया जाता है इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ डियर एनिमल्स फॉर फॉर्डर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट तो मैंने आपको बताया कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ये जो है मूव करते रहते हैं क्यों मूव करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया इससे इनको क्या क्या मिलता है मिल्क मिल जाता है मीट मिलता है उल मिलता है हाइट्स मिलता है और अदर प्रोडक्ट इन्हें मिलते हैं अच्छा तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है उसको अलग अलग जो एरियाज है वहां पे उसका अलग अलग नाम है जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन और स्लेशन कल्टिवेशन को झूमिंग कहते हैं आपको मेक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं ब्राजील में इसको रोका कहते हैं और मलेशिया में इसे लेडेंग कहते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम है पर ये है सब ही शिफ्टिंग कल्टिवेशन ही बस डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं अलग अलग रीजन में तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है तो कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर फॉर सेल इन द मार्केट कमर्शियल फार्मिंग में जनरली प्रॉफिट के लिए जो है ना क्रॉप्स को लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है और साथ साथ एनिमल्स भी रियर किया जाता है द एरिया कल्टिवेटेड एन द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज जो कैपिटल यूज किया जाता है वो क्या है लार्ज अमाउंट में यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन मैक्सिमम चीजें मशीन से होती है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो बहुत बड़ा एरिया में अप्रीमिटिव टूल्स से वहाँ पे तो कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं तो मशीन का यूज किया जाता है कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मिक्सड फार्मिंग एंड प्लानेशन एग्रीकल्चर कॉमर्शियल फार्मिंग जो है वो होता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है तो इसमें क्या होता है कि ग्रेन जो है वो लार्ज एरिया में उगाया जाता है फॉर सेल इन द मार्केट मिक्स्ड फार्मिंग होता है मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि ग्रेन के साथ साथ वो लाइफ स्टॉक रियरिंग भी करते हैं और प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि सिंगल क्रॉप जो है वो क्या होता है ग्रो किया जाता है जैसे कि आपका टी हो गया कॉफी हो गया आपका रबड़ हो गया तो इसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं तो इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेज के लिए ग्रो होते हैं वीट एंड मेज आर द कॉमन कॉमर्शियल

दिस एरिया आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स बहुत बड़ा एरिया होता है बहुत बड़े बड़े फार्म्स यहाँ पे होते हैं अब देखते हैं मिक्स फार्मिंग मिक्स फार्मिंग क्या होता है मैंने आपको बताया कि जो फूड क्रॉप्स के साथ साथ जो है आपका लाइफ स्टॉक रियरिंग भी ये करते हैं और इसके लिए फोर्डर क्रॉप्स भी ये जो है ग्रो करते हैं मतलब जो चारा इनके लिए अगर ये लाइफ स्टॉक रियर किए हैं तो इनको तो चारा चाहिए तो चारा के लिए ये फोर्डर क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं और फूड क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं तो सबको मिला के इसी लिए हम इसे मिक्स फार्मिंग करते हैं मिला करते हैं वो और ये मिक्सड फार्मिंग जनरली जो है आपका यूरोप में ईस्टर्न यूएसए अर्जेंटीना ये सब जो कंट्रीज है यहाँ पे किया जाता है प्लांटेशन मैंने आपको बताई दिया कि प्लांटेशन क्या होता है कि सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है फॉर कॉमर्शियल यूज जैसे कि आपका हो गया टी कॉफी शुगर कैन कैसीू काजू रबर बनाना कॉटन ये सब जो है ये क्या है प्लांटेशन एग्रीकल्चर है लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इसमें लगता है और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल भी लगता है और इससे जो है आपका और प्रॉफिट भी जो है वो काफी होता है तो रबड़ के लिए जो है मलेशिया में सबसे ज्यादा रबड़ होता है कॉफी आपका ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है टी जो है इंडिया और श्रीलंका में होता है तो ये सब एग्जाम्पल्स है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के मेजर क्रॉप्स क्या क्या है तो मेजर क्रॉप जनरली वीट हो गया राइस हो गया मेज हो गया मक्का एंड मिलेट्स हो गया जूट एंड कॉटन और फाइबर क्रॉप जूट एंड कॉटन जो है वो क्या है फाइबर क्रॉप्स है और आपका बेवरेज क्रॉप्स क्या क्या है द बेवरेज हमको पता ही है टी एंड कॉफी आर द बेवरेज क्रॉप्स अब देखते हैं राइस तो राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड राइस जो है मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड का बहुत सारे एरिया में राइस को ग्रो किया जाता है इट इज स्टेपल डाइट स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल रीज़न्स क्या होता है मैंने आपको बताया ही था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन के में का जो रीजन है वो से हम ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं तो, तो ये रीजन्स में राइस जो है स्टेपल डाइट है तो इस एरिया में उस फूड क्रॉप का जो है ज्यादा प्रोडक्शन है और वहाँ के लोग उसका ज्यादा यूज करते हैं तो डेट इज नोन एज स्टेपल डाइट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया राइस नीड हाइट राइस को क्या चाहिए हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए तो रेनफॉल ज्यादा कहाँ होता है आपका तो ये जो ट्रॉपिकल्स एरिया में है यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता है टेम्परेचर भी यहाँ हाई रहता है बिकॉज सन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे पड़ता है ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे हाई रहती है तो इसलिए जो है आपका राइस जो है जनरली आपका ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा होता है चाइना जो है वो सबसे ज्यादा राइस जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड उसके बाद आपका इंडिया आता है और इंडिया में सबसे ज्यादा राइस कहाँ पे होता है तो आपका वेस्ट बंगाल में अब वीट देख लेते हैं तो वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर तो वीट को ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है इसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन जब ग्रो करते हैं उस समय थोड़ा रेनफॉल होना चाहिए harvest. और एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट और हार्वेस्ट करते समय जो है ब्राइट सनशाइन होना चाहिए और ये लोमी सॉइल में बहुत ही अच्छा होता है वीट और राइस किस में होता है एलोवियल में तो वीट जो है सबसे ज्यादा ग्रो होता है आपका यूएसए कनाडा अर्जेंटीना ऐसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट जो है वो चाइना ही है अब मिलेट्स देख लेते हैं मिलेट कोर्स ग्रेन्स हैं और ये कहा लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में मिलेट जो है ग्रो किया जाता है जैसे राजस्थान एरियाज हो गए आपके एम के कुछ एरियाज हो गए वहां पे मिलेट्स को ग्रो किया जाता है इट इज ए हार्डी क्रॉप डेट नीट नो लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर इसे लो रेनफॉल चाहिए और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए ज्वार रागीर बाजरा और रागी जो है एज ए मिलेट्स जो है ग्रो होते हैं मेज मेज मतलब मक्का मक्का जो है मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर रहता है उसके बाद रेनफॉल एंड लॉर्ड ऑफ सनसाइन और सनसाइन खूब चाहिए इसे एंड इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल स्वाइल मेज जो है कहाँ पे ज्यादा ग्रो होता है आपका नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेडिस है ना टेम्परेट ग्रास नॉर्थ अमेरिका में उस तरफ वीट मेज जो है काफी ग्रो होता है ब्राजील में चाइना में रसिया ये सब कंट्रीज में आपका मेज जो है ग्रो होता है कॉटन कॉटन के लिए आपको क्या चाहिए कॉटन ग्रो के लिए ब्लैक सॉइल जो है वो बेस्ट होता है कॉटन ग्रो के लिए तो ब्लैक ब्लैक सॉइल अपने इंडिया में कहा पे है तो मैंने आपको बताया था डेक्कन प्लेटूज में है ब्लैक सॉइल है तो डेक्कन प्लेटूज के एरिया में आपको कॉटन जो है वो ज्यादा ग्रो होते हैं और कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है लाइट रेनफॉल एंड टू हंड्रेड एंड टेन फ्री डेज दो सौ दस दिन चाहिए इसे फॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनसाइन भी इसे चाहिए इट ग्रोथ बेस्ड ऑन ब्लैक एंड एलुबियस मैंने बताया आपको ब्लैक स्वाइल इसके लिए बेस्ट होता है और ये अलूबियस सॉइल पर भी कॉटन होता है जूट जो है जूट क्या है फाइबर क्रॉप है और ये इसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं जूट जनरली कहाँ पे ज़्यादा होता है तो इंडिया में वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है और ऐसे इंडिया जो है वर्ल्ड में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है और इंडिया के बाद जो है बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट जो है वो होता है ये एलोबियल सॉइल पे होता है हाई टेम्परेचर इसे चाहिए एंड हैवी रेनफॉल इसे चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसे ग्रो करने के लिए तो अब हम देखते हैं कॉफी तो कॉफी जनरली कहां होता है आपका ड्रेंड लोमी सॉइल पे होता है और इसे वेट क्लाइमेट चाहिए ठीक स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप इसके लिए स्लोप्स चाहिए वाटर तो इसे चाहिए मतलब वेट क्लाइमेट चाहिए लेकिन क्या है एकमुलेशन ऑफ वाटर नहीं चाहिए इसे इसलिए जो हिल स्लोप्स है वो बेस्ट है आपका कॉफी ग्रो के लिए ब्राजील जो है आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी का फॉलोड बाई कोलम्बिया एंड इंडिया उसके बाद कोलंबिया है और इंडिया है अब हम देख लेते हैं टी तो टी क्या है टी एक बेवरेज क्रॉप्स है और ये भी जो है कूल क्लाइमेट इसे चाहिए और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इज इसे भी हाई रेनफॉल चाहिए लेकिन मैं इसमें भी वही है एकमोलेशन नहीं होना चाहिए वेल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जो है ना आपका रेनफॉल तो ये भी जो है स्लोप्स पे जो है काफी जो है ग्रो होते हैं आपका जो जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इंडिया में जो है आपका आसाम एरिया हो गया उसके बाद आपका दार्जिलिंग एरिया हो गया इस एरिया में जो काफी टी जो है ग्रो किए जाते हैं इसमें क्या है लेबर बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि जो पत्ते जो है ना उसके टेंडर लीव्स हैं उनको तोड़ते हैं तो इसमें काफी देखते होंगे लेबर जो है इसमें लगते हैं तो हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो एफर्ट हम लगाते हैं उसे हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रिमेटिव टूल्स से अगर आप खेती करते हैं तो आपको क्या होगा आपको लेबर ज्यादा चाहिए आपको टाइम ज्यादा चाहिए उसी जगह पे आप मशीन का अगर यूज कर रहे हैं आप अच्छे जो है सीड्स का यूज कर रहे हैं तो, तो जो आपकी प्रोडक्शन है उतना ही जो आपका लैंड है उसमें आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं तो दिस कैन बी अचीवड इन मेनीज वेज सच एज इंक्रीजिंग क्रॉप एरिया को बढ़ा के हम कर सकते हैं नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन कितने क्रॉप्स जो हम साल में ग्रो कर सकते हैं इम्प्रूविंग इरीगेशन इरीगेशन फैसिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं फर्टिलाइजर का यूज एंड हाई इल्डिंग वराइटी ऑफ सीड और हाई इर्डिंग वराइटी सीड्स का यूज कर सकते हैं अच्छा अल्टीमेट इसका जो एम क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्यों चाहिए हमें तो फूड सिक्योरिटी के लिए फूड सिक्योरिटी क्या होता है तो अभी देखते होंगे कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उससे क्या करती है कि उन लोगों को फूड ग्रेन्स देती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स हैं ठीक अब स्कूल में भी देखे होंगे कि मिड डे मील जो है दिया जाता है बच्चों को क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड उन्हें मिलेगा तभी तो जब अच्छा खाएगा इंडिया तब स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी आगे डेवलप भी करेगा इंडिया और इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड आपके इस इंडिया फूड सिक्योरिटी पे जो है सभी गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देती है इंडिया में फार्म कैसा होता है इंडिया में जो फार्म है वो क्या होते हैं छोटे छोटे फार्म्स होते हैं जैसे 1.5 पॉइंट फाइव के जनरली जो है आपको छोटे फार्म्स देखने को मिलेंगे जिस पे लोग जो है तरीके से खेती करते हैं अभी तो लोग ट्रैक्टर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज धीरे धीरे करने लगे हैं का यूएसए के फार्म्स क्या होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं वहां मिनिमम साइज है फार्म्स का 250 फिफ्टी हेक्टेयर के फार्म्स होते हैं और वहां पे मशीन्स और जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके वो फूड क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक रियरिंग जो है वहां पे वो करते हैं एंड फार्मर इन दू एस ए वर्स लाइक ए बिजनेस मैन फार्मर यूएसए का जो है बिजनेस मैन की तरह वर्क करता है नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर पीजेंट फार्मर की तरह वर्क नहीं करता है वो तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर क्या है तो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कैश क्रॉप्स एंड आपका रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर फैक्टर्स बताइए जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करता है तो आपका क्या हो गया सॉइल हो गया कैसा है फर्टाइल है नहीं है आपका टेम्परेचर हो गया कैसा वहाँ का टेम्परेचर है कैसा रेनफॉल है वहां का टोपोग्राफी कैसी है वहां की तो ये सब जो है फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है आपके एग्रीकल्चर को व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है एक जगह से जो है पेड़ को कट करके एरिया को साफ करते हैं फिर वहां पे जो है कल्टीवेशन करते हैं फिर शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे जगह पे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच फार्मर शिफ्ट फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज डिमिनिश्ड। ऑफ द फॉर्मर फॉर्मर जो आपका है उसका अगर फर्टिलिटी कम हो जाती है तो दूसरे जगह पे वो शिफ्ट कर जाते हैं तो इस टाइप के एग्रीकल्चर को हम शिफ्टिंग जो है कल्टीवेशन कहते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है तो डिफोरेस्टेशन होता है उससे सॉइल इरोज़न होता है ये इसके डिसएडवांटेज है लार्ज पॉपुलेशन को हम इससे फीड नहीं कर सकते हैं वट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है इट इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन जैसे कि टी हो गया आपका कॉफी हो गया शुगर केन हो गया रबर हो गया ये सब लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड है आपके प्लांटेशन एग्रीकल्चर में नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दियर ग्रोथ फाइबर क्रॉप कौन कौन से है तो आपका जूट हो गया कॉटन हो गया जूट के लिए आपको क्या चाहिए हैवी रेनफॉल चाहिए ठीक आपका हाई टेम्परेचर चाहिए एलुबियल सॉइल चाहिए कॉटन के लिए आपको क्या चाहिए ब्लैक सॉइल एलुबियल सॉयल हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल और आपका ब्राइट सनसाइन ये कॉटन के लिए चाहिए और जनरली कॉटन हमारे यहां ज्यादा कहाँ होता है आपके डेक्कन प्लेट्यूज में ज्यादा कॉटन होता है क्यों वहां पे तो ब्लैक सॉइल्स काफी पाए जाते हैं अब टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर क्या है हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गोल्डन फाइबर टू जूट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी ब्राजील गिव दीजिए इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी क्यों है क्योंकि इट डायरेक्टली इन्वॉल्व नेचुरल रिसोर्सेज टू ग्रो क्रॉप फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन डिफरेंट क्रॉप डिफरेंट रीजन में क्यों ग्रो होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट टॉपोग्राफी डिफरेंट स्वाइस डिफरेंट क्लाइमेट इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है क्रॉप जो है ग्रो होते हैं तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा इफ यू माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू एंड ए नाइस्ट डे